हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम घूमने जा रहे हैं बच्चों को लेके सीजन मॉल, तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सीजन मॉल के लिए अब निकल चुके हैं। हम सभी रेडी हो चुके हैं और फटाफट से वहाँ पे पहुँचते हैं। आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट कहाँ पे है सीजन मॉल, टाइमिंग्स क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगी और भी बहुत कुछ। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। तो निकलने से पहले हमने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेते हैं, तो हम वही कर रहे थे। मामा मेरी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रही थी और उसके बाद हम फाइनली निकल गए हैं सीजन मॉल के लिए। तो चलिए चलते हैं, अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं। तो ये है बाहर का एंट्रेंस व्यू। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, सीजन्स मॉल आपको मिलेगा पुणे में मगरपट्टा सिटी हड़पसर एरिया में, और इसके टाइमिंग्स है 11 AM टू 11:30 PM। तो यानी कि सुबह 11 बजे से रात में 11 बजे 11:30 बजे तक ये खुला होता है। और तो इस टाइमिंग्स में आप जा सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि ये हफ्ते के सातों दिन खुले होते हैं, तो मंडे टू संडे आप कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इन लोगों ने वाटरफॉल बनवाया है। और साथ ही साथ अब हम ले रहे हैं एंट्री। ये मॉल साथ ही साथ एक परफेक्ट ब्लेंड है बहुत सारे ब्रांड्स और स्टोर्स के लिए। आपको वैरायटी ऑफ ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे, हर एक चीज़ कपड़ों से लेकर फुटवेयर से लेकर, और बहुत कुछ आपको अंदर देखने मिलेगा। तो फटाफट से हमने यहाँ पे चेकिंग करवा ली है, अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर की तरफ जाने के टाइम आपको देखने मिलेगा कि जो फर्स्ट सेक्शन है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर वाला जो सेक्शन था, वहाँ पे आपको आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। बैग की शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग, फुटवेयर की शॉपिंग और स्वेटर्स हो या फिर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये मॉल को बिल्ड किया गया है 12 एकड़, यानी कि 12 एकड़ के प्लॉट पे इस मॉल को बिल्ड किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे 100 ब्रांड्स अवेलेबल है, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल है। और 25,000 square foot में इसका जो फूड कोर्ट है वो बिल्ड किया गया है, और 90,000 square foot में हाइपरमार्केट बिल्ड किया गया है। तो इस तरीके का काफ़ी बड़ा स्टोर है ये। उसी के साथ यहाँ पे पावर बैकअप है, 100% पावर बैकअप, और 24x7 वाटर सप्लाई है। यहाँ पे 24x7 सिक्योरिटी सिस्टम है, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास अवेलेबल है। तो आपको काफ़ी मतलब सिक्योरिटी के साथ आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, हर स्टोर पे, हर स्टोर के बाहर और भी कई जगहों पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। और साथ ही साथ अब हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, तो सेकंड फ्लोर पे भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि मोबाइल एक्सेसरीज़ के स्टोर्स और कपड़ों के शॉपिंग और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि सीधा अब हम खाना खाने ही जा रहे हैं, बिकॉज़ ऑलमोस्ट एक बज चुका है और नाइट शिफ्ट थी, तो खाई खाई में हमें निकलना हुआ सुबह में। सुबह मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए, अराउंड 2-3 घंटे के लिए मैं सुबह सो गई थी, और उसके बाद सीधा मैं निकल के हम लोग यहाँ पे आए हैं सीजन मॉल में। तो इसीलिए काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए सबसे पहले हमने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम गेमिंग जोन और बाकी सारी जगहों पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, ग्लोबल पंजाब, जो कि आपको 3rd फ्लोर पे मिल जाएगा। हम वहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। वैसे तो आपको काफ़ी सारे वैरायटी मिल जाएंगे यहाँ पे। वैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि चलिए फ्रेंड्स, अब हम लंच कर लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने वो वॉइस म्यूट करके अपना वॉइस डाला है यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम मेन्यू चेक कर रहे थे, काफ़ी सारे वैरायटीज़ है यहाँ पे, चाइनीज़ और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला आज, तो इसलिए हम पहले खाना खाने आ गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था और भी काफ़ी सारे वॉइस आ रहे थे, इसलिए मुझे वॉइस बंद करनी पड़ी। तो यहाँ पे हमने फ़ूड ऑर्डर किया फाइनली। तो फ्रेंड्स, जब तक के फ़ूड आ रहा है, मैं आपको इंटीरियर यहाँ का दिखा देती हूँ। काफ़ी प्यारा इंटीरियर, जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे देखने मिल जाएगा आपको ग्लोबल पंजाब में। तो यहाँ पे कुछ झूमर लगे थे और उसी के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बनी थी वॉल पे, जो कि आपको पंजाब वाली फीलिंग देगी। और ये देखिए, आपको अच्छे से मैं पूरा इंटीरियर दिखा देती हूँ। अभी हम लोग ने खाना ऑर्डर किया है, हम लोग वेट कर रहे हैं खाना आने के लिए। यहाँ रंग की मस्ती शुरू हो गई, देखिए वो कहाँ घूम रहे हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली चिकन आ चुका है। यहाँ पे हमने चिकन अंगारा ऑर्डर किया है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है तंदूरी रोटी। और फ्रेंड्स खाना सच में बहुत डिलीशियस था, बहुत ही अच्छा लगा। तो हमने पहले तो रोटी और ग्रेवी यहाँ पे मंगा ली है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूँ कि ग्लोबल पंजाब के अलावा और भी बहुत सारे फूड कोर्ट्स और फूड ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थे, जैसे कि एब्सोल्यूट बारबेक्यूज़, फन स्पाइस, फिर उसके बाद स्टारबक्स, कैफ़े अरेबिया, और फ्लाई हाई, फूड म्यूज़िक लव, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे फूड स्टोर जैसे कि सबवे, मैकडोनल्ड्स, और भी बहुत 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 सारी फूड वैरायटीज़ और फूड रेस्टोरेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको मल्टीपल वैरायटीज़ मिल जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया इस बार ग्लोबल पंजाब, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वी विल ट्राई समथिंग न्यू। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने ऑर्डर किया यहाँ पे चिकन फ्राइड राइस, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। तो फ्रेंड्स हमने अच्छे से खाना भी खा लिया और साथ ही साथ फ़ोटो वगैरह भी ले लिए कनीसका किचन इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। खाने के जो भी फ़ोटोज़ चाहिए थे वो ले लिए। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम गेम जोन में जाएंगे बच्चों को लेकर, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले थे हम। तो हम वहाँ पे गए, खाने के बाद पेमेंट वगैरह कर दिया हमने। अब हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम आ गए हैं गेम जोन में। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको कार्ड पेमेंट यानी कि अपना कार्ड लेना पड़ेगा पेमेंट करके, और उस कार्ड के हेल्प से आप यहाँ पे सारे गेम्स वगैरह खेल सकते हो। तो सबसे पहले हमने कार्ड ले लिया है, और कार्ड लेने के बाद हम यहाँ पे वन बाय वन सारे गेम्स खेलने वाले हैं। जितना भी हो सकेगा उतना गेम्स खेलेंगे। काफ़ी सारे वैरायटी आपको गेम्स के यहाँ के मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टॉय कैचिंग गेम खेला, जहाँ पे ईजान ट्राई कर रहे थे टॉय को कैच करने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाया। आई डोंट नो, मतलब वो पकड़ ही लिया था ऑलमोस्ट उसने, बट नहीं कैच कर पाया। उसके बाद काफ़ी सारे गेम्स थे जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए। तो सबसे पहले यहाँ पर है सुपर बाइक गेम, जहाँ पे बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। और साथ ही साथ मैं आपको लिस्ट ऑफ गेम्स भी बता देती हूँ जो आपको सीजन मॉल में मिल जाएंगे, गेमिंग जोन या फिर टाइमिंग जोन, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन से वैरायटी के गेम्स देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे है नेल बाइटिंग गेम्स एडवेंचरर्स के लिए, रेसिंग गेम्स और लेज़र टैग, बहुत सारे एयर हॉकी, बास्केटबॉल गेम्स, बॉलिंग एले, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँगी यहाँ पे आपको आपको बॉलिंग, बम्पर कार्स, एस्केप रूम्स, ग्लो गोल्फ, लेज़र टैग, टॉप स्पिन। और अगर आप यहाँ पे क्रिसमस के वक्त आते हैं 22nd, 23rd और 25th दिसंबर को, तो आपको डबल डॉलर ऑफर भी मिल सकता है बिटवीन 8 AM टू 11 AM। तो इन ऑफ़र्स के लिए आप एंड ईयर यानी कि न्यू ईयर के वक्त आ सकते हैं। और सेलिब्रेशन के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशंस हो या फिर कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो, और आप अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ह्यूज वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, चाहे शॉपिंग की बात करूँ मैं, या खाने की बात करूँ मैं, या फिर गेम्स की बात करूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देख ही सकते हैं बच्चे कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। हमने बहुत सारे वैरायटी के गेम्स खेले, काफ़ी सारे वैरायटी यहाँ पे ईजान कोशिश कर रहे हैं चॉकलेट्स को कैच करने की। तो यहाँ पे कैंडी क्रेन में हम आए हैं, और यहाँ पे ईजान कोशिश कर रहे हैं कि वो चॉकलेट को उठा लें। और साथ ही साथ बच्चों ने बहुत सारे गेम्स खेले, और ये देखिए चॉकलेट छूट गई। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स अवेलेबल हैं, और ऑलमोस्ट सारे तो नहीं कहूँगी, बट ऑलमोस्ट जितने हो सके हमने सारे मोस्ट ऑफ द गेम्स यहाँ पे खेले।
एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे बच्चों ने सोचा कि ये फुटबॉल वाला गेम भी ट्राई कर लेते हैं। चॉकलेट वाला तो ट्राई किया ही था, टेडी वाला भी ट्राई किया था, तो हमने सोचा कि फुटबॉल को कैच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही ट्राई कर रहे थे। वैसे तो ईजान ने काफ़ी अच्छे से खेला यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से इसने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था बॉल को। बट आई डोंट नो, इसे बिल्ड ही इस तरह से किया गया है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है इसे उठाना। साइड से एकदम आराम से जो है बॉल निकल जाता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच इट। और उसके बाद यहाँ पे हम आए अपने फेवरेट जॉम्बी गेम के लिए। तो यहाँ पे बच्चे जॉम्बी को मारने की कोशिश कर रहे थे, और ये वाला गेम भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं बात करूँ एडवेंचरस गेम्स की, अगर आप एडवेंचर क्रेज़ी हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग से एडवेंचरस गेम्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ।
फ्रेंड्स गेमिंग जोन में कई घंटों तक खेलने के बाद ये देखिए अरहान फर्स्ट आए हैं। तो फाइनली काफ़ी देर तक खेलने के बाद यहाँ से हम निकले, और निकलने के बाद हमने सोचा कि हम मूवी देख लेते हैं क्योंकि अभी भी कुछ घंटे बचे थे। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि मूवी तो देख ले बट उसके लिए 3 घंटे बैठना एज इन बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और कोई ख़ास मूवी भी नहीं थी, दृश्यम 2 थी। तो दृश्यम 2 हम ऑलरेडी देख चुके थे, तो फिर हमने सोचा कि उसके बदले चलिए यहाँ पे हम कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग तो कुछ खास की नहीं हमने, बस एक दो चीज़ें ही ली, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा था तो हम लोग डी मार्ट चले गए। बट मूवी का प्लान इस बार हमने कैंसिल कर लिया, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मम्मा को ये नेकलेस पसंद आ रहा था तो उन्होंने ये नेकलेस लिया, और साथ ही साथ मुझे एक रिंग पसंद आई तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली रिंग पसंद आई मुझे तो मैंने ये वाली रिंग ले ली, काफ़ी प्रिटी लग रही थी। तो यहाँ से ये दो चीज़ें लेकर हम निकल गए, और ये देखिए हम आए ही थे मूवी देखने के लिए, तो 5-6 मिनट सोचने के बाद हमने सोचा कि इससे बेटर हम फ़िलहाल के लिए डीमार्ट चले जाते हैं, मूवी फिर कभी देख लेंगे। तो अरहान चाहता था कि थोड़ा टाइम बचा है, और उसने पहले ही कहा था कि आज का पूरा दिन इंजॉय करना है, शाम होने तक वापस घर नहीं जाना है, तो थोड़ा टाइम बचा था तो हम लोग डीमार्ट आ गए। और डीमार्ट आने के बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग यहाँ पर कर ली, शॉपिंग हमने रिसेंटली ही की थी, बट अरहान की ज़िद थी कि नहीं अब यहाँ पर आए हैं तो हमें पूरा दिन कम्प्लीट करके पूरा इंजॉय करके ही घर जाना है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत स्नैक्स की शॉपिंग कर ली, मम्मा ने थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली, और वैसे तो हम लोग हर बार घर के पास वाले डीमार्ट जाते हैं, पहले भी वीडियोस में आपने देखा होगा, बट इस बार हम दूसरे डीमार्ट आए बिकॉज कुछ चेंज चाहिए था, थोड़ा अलग करना था, इसलिए हम यहाँ पे उंदरी की तरफ का जो दूसरा डीमार्ट है हम वहाँ पे आ गए, रॉयल हेरिटेज के पास। और यहाँ पे हमने शॉपिंग करने के बाद आइसक्रीम खाई। तो फ्रेंड्स हम फाइनली घर पे आ चुके हैं, काफ़ी प्यारा दिन था आज का, बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आई हम सबको। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, एक तो हमने ये रिंग ली है, और दूसरा मम्मा के लिए नेकलेस लिया है, तो ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये दोनों ही सीजन्स मॉल से लिए हैं। और फिर मिलेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए।